ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। अब हम लोग देखेंगे ये ई रूपी क्या है, इसको सरकार द्वारा क्यों लाया गया है और इसको क्यों इतना बेनिफिशियली माना जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये ई रूपी प्रीपेड वाउचर है क्या। तो ये आप लोग को पता है, ये ई रूपी एक QR कोड जैसा ही है, इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग इसको पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं। आप लोग को जैसे ही यहाँ पे ई रूपी दिखाऊंगा और UPI करके लिखाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ गया होंगे ये रिलेटेड है एक तो फ़ोनपे, गूगल पे या फिर हम लोग जिस चीज़ों पर इसको देखते हैं। तो फर्स्टली इसको लॉन्च किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त 2021 को, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पहली बार यूज़ किया जा रहा है। इसको बाहर की कंट्रीज में फूड के लिए भी ये वाउचर को यूज़ किया जाता है, जो कि आप लोग को प्रोवाइड करती है कोई भी गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये PM नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है, तो कॉमन सी बात है ये गवर्नमेंट की स्कीम है। इस स्कीम के तहत आप लोगों को जो इसका फ़ायदा है वो मिलने वाला है। तो इसको डेवलप किसने किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखो, जितने भी वाउचर्स हो गए या फिर पेमेंट के जो सिस्टम्स हो गए, उसको अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है तो वो कॉमन सी बात है उसको जो डेवलप्ड है वो करती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग NPCI के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है, इसको कंट्रोल कौन करता है, वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। कॉमन सी बात है, यहाँ पर पैसे का लेन देन या फिर आपको जो फ़ायदा मिलने वाला है गवर्नमेंट के तौर पर, तो कॉमन सी बात है इसकी जितनी भी सर्विसेज है ये सब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेंगी। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने इसको किया है। और आप पे आपको लोग को ये बात ध्यान में रखना है, मैं आप लोग को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। मतलब कॉमन सी बात है, यहाँ पर जो सरकार आप लोगों को फाइनेंशियली तौर पर या फिर आप लोगों की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ ई वाउचर प्रोवाइड करेंगी, वो भी हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन अभी तक आप लोग को समझ गया है कि इलेक्ट्रॉनिकल वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको डेवलप किया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो ये वर्क कैसे करेगा इसके ऊपर हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपली लिखा है, ई रूपी इज अ कैशलेस कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम विच विल बी डिलीवर्ड इन फॉर्म ऑफ एन SMS स्ट्रिंग और QR कोड। अब यहाँ पर कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि जैसे ये डिजिटल पेमेंट है तो ये जो अपने रूरल इंडिया में जितने भी लोग हैं उन लोगों के पास डिजिटल मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो देखो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें लिखी हुई है। फर्स्ट वन लिखी है SMS स्ट्रिंग, ये आप लोग को दो तरीके से मिल सकता है। फर्स्ट वन आपको SMS के थ्रू मिल सकता है और सेकेंड वन है आपको ये QR कोड के तरीके से मिल सकता है। द वाउचर सिस्टम विल बी वर्क एज अ प्रीपेड गिफ्ट वाउचर दैट विल रिडीमेबल एट स्पेसिफिक एक्सेप्टिंग सेंटर विदाउट एनी क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अब मैं आप लोग को इस चीज़ों को समझाता हूँ। देखो कैसा होता था, जैसे जनधन योजना हो गई या फिर अभी जब COVID-19 बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, सरकार ये चाहती है कि जो गरीब लोग हैं, जो लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कम पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों को कोविड की जो मास्क हो गए या फिर कोई भी इस तरीके से आप लोगों को खाने की वस्तु हो गई, आप लोगों को किराना हो गया, वो दे। तो कैसा हो रहा था, जनधन योजना में आप लोग को आपके अकाउंट में 500 रुपये दिए जाते थे, लेकिन इसका कंट्रोल सरकार के पास बिल्कुल नहीं था। अगर वो 500 रुपये आप लोग के अकाउंट में आए तो वो 500 रुपये को निकाल के, अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वही जो सामान के लिए आप लोग को दिया जा रहा है वो सामान लोगे, आप लोग उसको अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे उसकी पार्टीज कर सकते हो या फिर उसकी ड्रिंक एट ऑल, आपके जो जितने भी शौक हो सकते हैं उस हिसाब से यूज़ करोगे। तो सरकार के पास इसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। तो सरकार ने अब क्या की, एक QR कोड क्रिएट की, वही है ई रूपी कार्ड, जो कि आप लोगों को अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोविड के लिए दी जा रही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फैमिलीज़ को या फिर लोगों को, तो आप लोग उसको वहीं पर यूज़ करोगे। और यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखा हुआ है, दैट विल बी रिडीमेबल और एट स्पेसिफिक एक्सेप्टिंग सेंटर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग को सरकार मास्क के लिए एग्जाम्पल के तौर पर 50 रुपये का ई वाउचर या फिर ई रूपी दे रही है, तो अगर आप लोगों को वो जैसे जनधन योजना के तरीके से आप लोग को अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो अगर आप लोग को अकाउंट में पैसे दे देंगे तो आप लोग उस पैसे को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को सरकार ई रूपी कार्ड देती है तो वहाँ पर, यहाँ पे जो वर्ड है स्पेसिफिक एक्सेप्टिंग सेंटर, इसका मतलब ये है कि आप लोग को पर्टिकुलर वहीं पर जाना होगा उस मास्क के दुकान पर और आप लोगों को मास्क परचेस करना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर सरकार पैसे दे रही है लेकिन उस मास्क वाले सेंटर को दे रही है, ना कि आपको दे रही है। इसका मतलब ये है कि अब सरकार के पास कंट्रोल आ गया है कि वो जो मनी आप लोग के ऊपर स्पेंड कर रही है उनका जो डाटा है वो उनके पास रहे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग को समझ गया कि इसका वर्क क्या है।
अब हम लोग आगे चलते हैं. व्हाट विल द रूबी बी इशूड, इसको क्यों इशू करा गया है. तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पहले मैं उसको पढ़ता हूँ फिर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं. हाउ विल ई रूपी बी इशूड, ये किस तरह से आप लोग को मिलेगा या फिर किस तरीके से इसको इशू किया जाएगा. तो यहाँ पर लिखा है, पहले उसको समझ लेते हैं फिर मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ. रिसिपिएंट विल बी आइडेंटिफाइड यूजिंग देयर मोबाइल नंबर एंड अ वाउचर अलॉटेड बाय अ बैंक. कॉमन सी बात है, यहाँ पर ई रूपी की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूपीज, मतलब किसी भी तरीके से एक रूपीज आ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक उसका सिस्टम आ रहा है. तो कॉमन सी बात है यहाँ पे रूपीज की बात कर रही है, तो कॉमन सी बात है यहाँ पे बैंक का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा. तो कोई भी वाउचर आप लोग को बैंक के थ्रू ही अलॉट किया जाएगा टू द सर्विस प्रोवाइडर इन द नेम ऑफ गिवन पर्सन. आप लोगों को जो आपका जो इशू है या फिर ये कोई भी सरकार की योजना क्यों ना हो, किसके तहत आप लोगों को बेनिफिट या फिर स्कीम मिल रही है, तो कॉमन सी बात है आप लोग का जो बैंक है जहाँ पे आप लोग का नंबर लिंक है, जैसे आप लोग को जनधन योजना के तहत पैसे आते थे वैसे इस तरीके से आप लोग को ये कार्ड भी इशूड होगा डिलीवर्ड टू दैट पर्सन. मतलब ये कि आप लोगों को बैंक के तरीके से ही आप लोग को जो ई वाउचर है ये आप लोगों को मिलेगा, इशूड होगा. कॉमन सी बात है, पैसों की बात है तो यहाँ पर बैंक का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है. अब हम लोग देखते हैं यूज़ केसेस ऑफ ई रूपी, कैसे इसको यूज़ किया जाएगा सरकार द्वारा. तो ई रूपी विल बी हेल्प इन ऑफरिंग द बेनिफिट्स. मैंने आपको जब भी समझाया था, देखो यहाँ पर लिखा है ये जो इसको रूपीज को इन लोगों ने क्या किए, लॉन्च किए या फिर डेवलप किए, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द नेशनल अथॉरिटी, मतलब इन लोगों ने किया है. इसका मतलब यही है कि जिसकी भी इसके तहत स्कीम आती है, जस्ट लाइक एस मंत्री जन योजना, आयुष्मान भारत योजना, तो इसके तहत आप लोगों को जितने भी स्कीम मिलती है वो अब मिलेंगे आप लोग को ई रूपी के जरिए. यहाँ पर एक और चीज़ है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज जो आप लोगों को मिलती है विद द थ्रू द थ्रू आउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जितने भी आप लोग की जो स्कीम्स हैं उसके तहत आप लोग को अगर कोई बेनिफिट या स्कीम दी जा रही है तो वो इस तरह से दी जाएंगी. मैंने आप लोग को वही समझाने की कोशिश किया. एक और बार हम लोग इसको एक वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, तो वो वीडियो मेरे पास है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. वो ट्विटर हैंडल ऑफिशियली प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस के तरह से दिया गया है, तो इस वीडियो को आप लोग देख कर उसको एक और तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी व्यवस्था लॉन्च की है. ई रूपी मोबाइल फोन पर एक एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के रूप में प्राप्त होगा. ये गिफ्ट वाउचर के जैसा होगा, इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड होने वाला है. अब इसका बहुत अच्छे तरीके से पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा. ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है. देश ने देखो, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने ही बोले कि इसको बहुत ही एकदम डिजिटल तरीके से डिजिटल करने की कोशिश भी की जा रही है, तो इस तरीके से इसको हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं कि ये कैसे इसको यूज कर सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिलकर लॉन्च किया. कैसे यूज, ये सिस्टम पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस योजना का लाभ पाने वाले और सर्विस प्रोवाइडर के बीच लेस और कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट जाएगा. ये किसी अन्य वाउचर की तरह ही काम करेगा. जैसे वाउचर के भुगतान के लिए कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही ऑनलाइन बैंकिंग की जरूरत होगी. ट्रांजेक्शन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट होगी. जब तक वाउचर आपके फोन में है वो आपका है. उसके लिए एक तय अवधि होगी जिसके अंदर आपको वाउचर का इस्तेमाल करना होगा. ये एक तरह से एक प्रीपेड रकम है और बिना किसी मध्यस्थ के पेमेंट ना होने से सर्विस प्रोवाइडर को भी इसका फायदा मिलेगा. उसे ये शिकायत नहीं होगी कि उसने लाभार्थी को सेवा तो दे दी थी लेकिन उसका पेमेंट होने में देरी हो रही है. इस सिस्टम को एनपीसीआई ने अपनी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर बनाया है और सभी बैंक ई रूपी जारी करने वाले एंटिटी होंगे, मतलब बैंक इसे जारी करेंगे. किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को स्पेसिफिक पर्सन और किस उद्देश्य के साथ भुगतान किया जाना है इसे लेकर सहयोगी सरकारी या निजी बैंक से संपर्क करना होगा. बेनिफिशियरीज की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए होगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर आवंटित करेगा जो किसी के हेल्थ सेक्टर में किया जाएगा. इसके साथ इसका उपयोग मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवा व न्यूट्रिशन सपोर्ट उपलब्ध करवाने वाली स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ड्रग्स व डायग्नोस्टिक, फर्टिलाइजर सब्सिडी आदि जैसी योजनाओं के लिए रहित सेवाएं देने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकेगा. इसके साथ निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकेंगे. बता दें विश्व के कई अन्य देशों में इस वाउचर सिस्टम का उपयोग पहले से किया जा रहा है. अमेरिका, कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग जैसे देशों में भी एजुकेशन वाउचर्स या स्कूल वाउचर्स का एक सिस्टम है
जिसके जरिए सरकार स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए भुगतान करती है। ये सब्सिडी सीधा माता पिता को बच्चों को शिक्षित कराने के विशेष उद्देश्य से दी जाती है। आज के इस वीडियो में बस। ओके, तो मैं भी आप लोगों से आशा करता हूँ कि इस वीडियो का आप लोगों को मोटो समझ में आया होगा कि मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया हूँ। तो अब हम लोग इसको पूरा कवर कर लेते हैं। ये कुछ नहीं है, एक आप लोगों को वाउचर दिया जाएगा जो आप लोगों को अमेजोन और फ़ोनपे में भी दिया जाता था। बस वही ई वाउचर है जिसको यूज़ करेंगी गवर्नमेंट इन योजनाओं के तहत, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और फर्टिलाइजर सब्सिडीज और एक्स्ट्रा जो भी इसमें इंक्लूड करते जाते हैं वो। तो इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।